तो आइए अब जानते हैं इसे बनाया कैसे जाए। सबसे पहले आपको बायोचार इकाई का निर्माण करना होगा। बायोचार इकाई का निर्माण 14 वर्ग फीट क्षेत्रफल में किया जाता है। इसमें जमीन की सतह से 2 फीट नीचे गहराई तक का आधार, जिसकी चौड़ाई 20 इंच रखते हैं, और जमीन की सतह से 5.5 फीट की ऊंचाई तक 9 इंच की दीवार गोलाई में इस प्रकार बनाते हैं, जिसका व्यास 10 फीट रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दीवार का कार्य ईंट और चिकनी मिट्टी की सहायता से किया जाता है। फिर इस 9 इंच मोटी दीवार के ऊपर 7 से 8 फीट 5 इंच मोटी दीवार इस प्रकार बनाई जाती है, जिसकी गोलाई ऊपर जाते जाते 3 फीट रह जाती है। नीचे सतह के पास 4 से 5 फीट का त्रिकोण दरवाजा रखा जाता है और पूरे दीवार पर मिट्टी के लेप चढ़ा दिए जाते हैं। साथ ही पूरे दीवार में एक निश्चित दूरी पर छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, जिसे मिट्टी की सहायता से उस समय तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन बाद में जरूरत के मुताबिक इन छिद्रों को बारी बारी से खोला जाता है। बायोचार इकाई जब पूरी तरह सूख जाए तो बारी आती है बायोचार निर्माण की। इसके लिए फसल अवशेष यानी पराली को नीचे वाले दरवाजे के माध्यम से डालना शुरू करते हैं और परत दर परत ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अंत में ऊपर से भी फसल अवशेष को डालकर पूरी तरह से दबाकर भर दिया जाता है। फिर इसमें इस प्रकार आग जलाकर एक मोटे लोहे की चदरे से ढक देते हैं और गीली मिट्टी के सहारे अच्छी तरह किनारों को बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई गैस का रिसाव ना हो। फिर सबसे ऊपर वाली लाइन के छिद्र को खोल दिया जाता है, जिससे धुआं बाहर की ओर निकलने लगता है। लगभग 4 से 5 घंटे बाद जब इन छिद्रों से निकलने वाले धुएं का रंग हल्का नीला दिखने लगे, तो इन छिद्रों को ढककर इसके नीचे वाले छिद्र खोल दें। लगभग 24 से 36 घंटे के बाद बने बायोचार को निकालने के लिए नीचे का दरवाजा खोला जाता है और इसके सहारे बने बायोचार को निकालते हैं। निकालते वक्त पानी की व्यवस्था रखें, ताकि हवा की उपस्थिति में जलने से बचाया जा सके। किसान भाइयों, इस प्रकार बने बायोचार का उपयोग आप अपने खेतों में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। इसमें कार्बन सबसे अधिक मात्रा यानी कि 77%, नाइट्रोजन 0.46%, फॉस्फोरस 2.7% और पोटाश 3.9%, इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम और सिलिकन पाया जाता है, जो कि आपके खेतों की मिट्टी के साथ फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रयोग से आपको अपने फसल में रासायनिक खाद की मात्रा कम डालनी पड़ेगी, जिससे आप कम पूंजी में मृदा और पर्यावरण को बचाते हुए अधिक फसल का उत्पादन ले सकते हैं।